ठीक है तो हम बात करते हैं ब्रोंको के बारे में चार मेन ग्रुप होते हैं इनके पीटा टू बीटा टू एगोनिस्ट मस्करिनिक एंटागोनिस्ट ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट और मिथाइल जेंथीन ठीक है जो टी हेल्पर टू सेल्स होती है वो रिलीज़ करती है इंटरल्यूकिन फोर और इंटरल्यूकिन फाइव बी सेल पे ये बी सेल जो होती है वो रिलीज करती है इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज़ और ये जो इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज़ होती है ये बाइंड करती है एफ़ सी एप्सलोन आर वन रिसेप्टर पे जो कि प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल पे ठीक है अब मास्ट सेल के अंदर क्या होता है जो मेमब्रेन फॉस्फोलिपिड होता है वो कन्वर्ट होता है एरेकिडोनिक एसिड के अंदर विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फॉसफोलाइपज ए टू अब ये एरेकिडोनिक एसिड का क्या फ्यूचर होता है इट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोस्टाग्लैंडिन विद द हेल्प ऑफ कॉक्स टू और इट कैन बी कन्वर्टेड टू ल्यूकोट्राइन विद द हेल्प ऑफ फाइव लॉक्स ठीक है ये क्या है इंटरल्यूकिन फाइव है स्टिमुलेट ईसिनोफील टू रिलीज साइटोकाइन एंड ल्यूकोट्रेन चलो ठीक है अब देखो ल्यूकोट्रेन के अंदर दो तरीके के एजेंट्स होते हैं एक होता है जो ल्यूकोट्राइन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है फाइव लॉक्स इनहिबिटर भी कहते हैं उसको एक होता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर सिस्टिनल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक ही बात है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर आता है ल्यूकास्ट मॉन्टे ल्यूकास्ट और जाफिर ल्यूकास्ट मेडिकेशन होती है ये परोरली लेते हैं इनको हम स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इनका एज कम्पेयर टू इन हेल्थ ब्रोंकोडाइलेटर लाइक एल्बिट्रोल यही कारण है कि इनको हम यूज़ करते हैं अस्थमा के प्रोफलेक्सेस के अंदर ना कि अक्यूट अस्थमा अटैक के अंदर ठीक है दे आर स्पेशलीफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग एक्सरसाइज और एस्परिन इंड्यूस्ड अस्थमा ल्यूकोटाइन सिंथेसिस इन्हीबिटर इसमें ल्यूकास्ट नहीं आता इसमें ल्युटान आता है जी ल्युटान इट इज टेकन पर औरली इसका यूज भी हम सेम अस्थमा प्रोफेल एक्सिस के लिए करते हैं ठीक है मिथाइल जेंथिन की बात करते हम कैफिन आल्सो केम इन टू दिस ग्रुप थियोफाइलिन हमारी मेडिकेशन है औरली लेते हैं हम इसको काम क्या होता है इसका फॉसफोडाइस्टरेज को इनहिबिट करना ठीक है फॉसफोडाइस्टरेज को ये क्या करता है इनहिबिट करता है और ये नॉन सेलेक्टिव होता है थियोफाइलिन इज आल्सो यूज्ड इन सीओपीडी ओ एज प्रोंकोडाइलेटर जस्ट लाइक जस्ट लाइक कॉफी थियोफाइलिन ब्लॉक्स एडिनोसिन रिसेप्टर थ्रू आउट दी बॉडी साइड इफेक्ट क्या होता है थियोफाइलिन का एक ही इम्पोर्टेंट है कि थियोफाइलिन जो होता है उसका नैरो थेरोपिटिक इंडेक्स होता है फाइव टू फिफ्टीन माइक्रोग्राम पर एम सो दिस इज ऑल